गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन आई एम हेयर। टुडे वी विल रीड अ चैप्टर डेजर्ट डिलाइट। इट्स अ पेज नंबर 10। इन दिस टॉपिक वी विल कम टू नो अबाउट द डेजर्ट डिलाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्ट डिलाइट। डेजर्ट डिलाइट मीन्स बहुत मिठाई जो हम खाते हैं, डिफरेंट टाइप का मिठाई जो हम खाते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिस द चिल्ड एंड रिफ्रेशिंग डेजर्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम फ्रेंच। इट इज़ मेड ऑफ फ्रूट जूस, शुगर एंड सिमिलर टू शरबत। ये एक बहुत ही चिल्ड और रिफ्रेशिंग डेजर्ट है जो कि फ्रेंच से आया हुआ है और ये बना होता है फ्रूट जूस, शुगर और सिमिलर टू शरबत के होता है। तो इसका हो जाएगा शॉर्बत, SORBET, शॉर्बत। सेकेंड है, दे आर स्मॉल लाइट केक्स विच आर क्रंची आउटसाइड्स एंड सॉफ्ट इनसाइड। दे आर यूजुअली मेड विथ आलमंड, शुगर एंड एग वाइट्स। ये जो है एक छोटा सा हल्का केक होता है जो अंदर जो बाहर से बहुत क्रंची होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। ये जनरली बना होता है आलमंड्स, आलमंड्स का मतलब पता है आपको, आलमंड्स का मतलब बादाम, शुगर और एग वाइट्स। और इसको हम बोलते हैं मैकारून्स। क्या बोलते हैं? मैकारून्स। ऑलरेडी यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और आपका यहाँ पे ऑप्शन डाला हुआ है। तो क्या है यहाँ पे? मैकारून्स। नंबर 2 में जाएंगे, हम मैकारून्स को लिखेंगे। थर्ड है, दिस माउथ वाटरिंग डेजर्ट मेड ऑफ आइसक्रीम लेयर्ड विद फ्रूट्स एंड सिरप इज ऑफन सर्व्ड इन अ टॉल ग्लास। ये एक ऐसा डिज़र्ट है जिसको खाने से पहले ही हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। ये आइसक्रीम की तरह होता है, बहुत सारे फ्रूट्स के लेयर्ड इसमें लगे होते हैं और जो सिरप होता है, सिरप यहाँ पे दवाई नहीं, यहाँ पे सिरप हम बोलते हैं वैनिला सिरप है, स्ट्रॉबेरी सिरप है, उसको हम यूज़ करते हैं। और एक बहुत लंबे से ग्लास में जो है हम उसको डालते हैं और हम उसको पीते हैं, तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट। इट्स नोन एज परफेक्ट, PARFAIT, इसको बोलते हैं हम परफेक्ट। फोर्थ है, दिस सॉफ्ट एंड क्रीमी ट्रेडिशनल इटालियन डेजर्ट इज मेड ऑफ स्पंज केक डिप्ड इन एस्प्रेसो एंड लेयर्ड विथ मैस्कारपोन चॉकलेट एंड शुगर। ये जो डेजर्ट है क्रीमी, सॉफ्ट क्रीमी जो है वो इटालियन डेजर्ट है जो बना होता है स्पंज केक। स्पंज केक जैसे रसगुल्ला होता है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, उसको उसी तरह का से एक केक आता है स्पंज केक और डिप्ड होता है स्पेरोशो और लेयर्ड विथ मैस्कारपोन चॉकलेट एंड शुगर। यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज़ है जो इससे वो डिप्ड होता है। और ये बेसिकली कहाँ से का बना हुआ, ट्रेडिशनल है कहाँ का? तो इटली का है, इटालियन डिश है। और तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यह है टीरामिसू, TIRAMISU, टीरामिसू। फोर्थ का क्या हो गया? टीरामिसू। फिफ्थ है, दिस हर्टी एंड स्वीट लेयर्ड पेस्ट्री विद अ फ्रूट फिलिंग इनसाइड इज टिपिकल टू ऑस्ट्रियन कुजन। ये जो है हर्टी और स्वीटी लेयर्ड पेस्ट्री है जो कि फ्रूट्स इसके अंदर भरे होते हैं। और बेसिकली ये कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलियन कुजन में ये जो है ये बहुत ही फेमस है। और इसका नाम है स्ट्रूडल। क्या नाम है? STRUDEL। क्या है? स्ट्रूडल। फिफ्थ का हो गया स्ट्रूडल। सिक्स है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल फ्रेंच डेजर्ट डैट हैज़ अ वेनिला फ्लेवर्ड कस्टर्ड बेस। इट इज़ चिल्ड इन स्पेशल डिशेज विद शुगर स्प्रिंकल्ड ऑन टॉप एंड देन क्रेमलाइज्ड जस्ट बिफोर सर्विंग। ये जो है फ्रेंच का ट्रेडिशनल डेजर्ट है जो कि वेनिला फ्लेवर से बना होता है। कस्टर्ड आप खाते ही होंगे, वेनिला फ्लेवर्ड आप जानते ही होंगे। और ये चिल्ड स्पेशल डिश होता है जो शुगर का जो स्प्रिंकल्ड होता है, देखो शुगर का जो स्प्रिंकल्ड होता है वो बेस होता है, टॉप पे रहता है। और एक क्रेमलाइज्ड रहता है। क्रेमलाइज्ड कब करते हैं इसको? जब हम इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के साथ ही इस पर हम क्रेमलाइज इसको कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो सिक्स का जो है क्रीमी
ब्रूली, क्या बोलेंगे हम, क्रीमी ब्रूली, बी आर यू एल डबल ई, क्रीमी ब्रूली। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। फर्स्ट का आपका है शोरबत, एस ओ आर बी ई टी, शोरबत। सेकंड का है मैकरोन्स। थर्ड का है परफेक्ट। फोर्थ का है ट्रीमिसू, क्या है, टी आर टी आई आर ए एम आई एस यू, क्या है, ट्रीमिसू। फिफ्थ का है आपका स्ट्रूडल, फिफ्थ का क्या है, स्ट्रूडल। सिक्स का है आपका क्रीमी ब्रूली। अब हम सेवन देखेंगे, द रिच इंडियन डेजर्ट इज मेड बाय बॉयलिंग राइस विथ मिल्क एंड शुगर एंड इज गार्निश्ड विथ कार्डमम, रेजिन, सैफ्रॉन, पिस्ताचिशो एंड आलमंड्स। अब हम अपने भारतीय खाने के बारे में बात करेंगे, तो तुम सब जानते ही होगे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या बनता है, मीठे में क्या बनता है सबसे ज़्यादा, हाँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या बनता है, खीर बनता है, जो कि चावल और दूध के साथ और चीनी को मिला के बनाते हैं, और उसमें हम क्या मिलाते हैं, कार्डमम। कार्डमम किसको बोलते हैं, इलायची को बोलते हैं। रेजिन्स किसको बोलते हैं, पता है, रेजिन्स बोलते हैं किशमिश को, मेवा। सैफरॉन केसर, पिस्टेचियोस मतलब पिस्ता, और आलमंड्स बादाम। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, खीर भरेंगे, क्या भरेंगे, खीर। ओके, एट है, दिस स्मूथ एंड क्रीमी कैरमल लाइक सॉस फ्रॉम लेटिन अमेरिकन अमेरिका इज़ आल्सो नोन एज स्वीट फ्रॉम मिल्क। यू कैन हैव इट विथ एनी थिंग फ्रॉम कुकीज़ और आइसक्रीम टू केक्स एंड कैंडीज। अब ये जो स्मूथ और क्रीमी कैरमल है, जो सॉस की तरह होता है, जो लेटिन अमेरिका का है, उसको हम स्वीट फ्रॉम मिल्क भी बोलते हैं, और इसको हम किसी के साथ भी, कुकीज़ के साथ इसको हम खा सकते हैं, कैंडीज़ के साथ खा सकते हैं। तो इसका नाम क्या आ जाएगा हमारा, एट का, डल सी डी लेच, डी यू एल सी ई डी ई एल ई सी एच ई, एट है हमारा डल सी डी लेच। नाइन्थ है, इन दिस ओवन बेक कस्टर्ड क्रेमलाइज शुगर इज पोर्ड इनटू अ वेजल टू कोट द बॉटम एंड अ वेनिला फ्लेवर्ड कस्टर्ड इज पोर्ड ऑन टॉप। नाइन्थ में है हमारा, फ्लेम, क्या है, फ्लेम, एफ एल ए एन, यहाँ देख लो फ्लेम है। टिन, इन पोलैंड दिस पॉपुलर केक इज मेड फ्रॉम फ्रेश चीज नोन एज तुरंग, समटाइम्स पोटैटोज आर एडेड टू इट। अब जो है ये पोलैंड में बनता है, बहुत ही पॉपुलर केक है वहाँ का, और जो फ्रेश चीज़ के साथ बनता है, और उसमें कभी कभी हम क्या करते हैं लोग वहाँ के, आलू को भी ऐड कर देते हैं। तो 10 में हम कहाँ चलेंगे, 10 को हम फिल कर देंगे शर्निक, क्या नाम हो जाएगा, एस सी आर एन आई के, शर्निक। ओके, 11th है, दीज ट्रेडिशनल जैपनीज बाइट्स सीज स्वीट्स आर मेड विथ राइस केक्स कॉल्ड मोची आडू एड जो की बीन पेस्ट एंड फ्रूट्स, द पेस्ट इज मोल्डेड इनटू वेरियस अट्रैक्टिव फ्रूट शेप। अब ये जापान का जो है ट्रेडिशनल खाना है, जो कि बहुत सारे चीज़ों से बनता है, राइस केक का है बेसिकली ये बनता है, और ये मोल्ड में डाल के इसको अट्रैक्टिव फ्रूट्स का शेप भी देते हैं। तो 11th में हमारा है वागाशी, डब्ल्यू ए जी ए एस एच आई। 12th है, अ पॉपुलर डेजर्ट इन ग्रीस एंड द मिडिल ईस्ट, इट हैज़ लेयर्स ऑफ पेस्ट्री फिल्ड विथ अ नट मिक्सचर। अब ये जो है पॉपुलर डेजर्ट है ग्रीस का और मिडिल ईस्ट का, और ये बहुत सारे पेस्ट लेयर्स में बना होता है, और ये पेस्ट्री होता है एक तरीका से, जिसमें नट जो है मिक्स किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बक लावा, क्या बोलते हैं हम इसको, बक लावा।
ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट में हमारा है सौरभ, सेकंड में हमारा है मैक्रून्स, ठीक है, थर्ड में है पारफेट, फोर्थ में है टीरामीसू, फिफ्थ में है स्ट्रूडेल, सिक्स में है क्रीमी ब्रूली, सेवेंथ में है खीर, एट में है टल्सी डी लेशी, नाइन्थ में है फ्लेन, टेंथ में है आपका शर्निक, एलेवेंथ में है वागसी, ट्वेल्थ में है बकलावा। ठीक है, जहाँ पे जो समझ में नहीं आए वो फिर दोबारा मुझसे पूछ लीजिए और एक बार फिर इसको ध्यान से देखिए क्या करना है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके लिखिए, क्योंकि आपके पीरियडिक टेस्ट भी होने जा रहे हैं और आपका सिलेबस ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखा है कि पेज नंबर 7 से लेके 23 तक आपका आएगा। और जितने भी टॉपिक्स को मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि आपके पास बुक नहीं अवेलेबल होगा तो आप कॉपी में ही नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले ट्यूसडे को पढ़ेंगे। घर में हैं, अच्छे से रहिए और ध्यान लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है।